आज याकतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए कैंडिडेट मैं श्यामा सुंदर रेड्डी हूँ। आज हमारा आईएसएसएन डिवीजन में पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रहे है भी आज, और हमारा केटीआर साहब आज हमारे को बी फॉर्म भी शाम में दिए सो है। 10 तारीख के दिन नामिनेशन डाल रहे टीआरएस पार्टी बीआरएस पार्टी से। गए साल भी 2018 में भी मैं बीआरएस पार्टी का कैंडिडेट याकतपुरा में था। पब्लिक भी बहुत रिस्पॉन्स दे के हमारे को सेकंड प्लेस में लाए से। ये बार 100% बीआरएस पार्टी याकतपुरा में जीतेंगी और टीआरएस पार्टी स्टेट में बीआरएस पार्टी का केसीआर साहब फिर सीएम बनेंगे। पब्लिक भी बहुत खुश है उसके ऊपर। 200 दिनों में टीआरएस पार्टी को पब्लिक का सपोर्ट हमारे को चाहिए। हमारे को भी टीआरएस पार्टी और बीआरएस पार्टी कार गुर्त के वोट डाल के, कार के ऊपर निशान के वोट डाल के जिताना चाहिए। शुक्रिया। कब हो? आज हो, आज 100 जने तक ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने को बहुत जने कांग्रेस पार्टी बीजेपी वाले बहुत है, उन लोगों को भी हम ये 10-15 दिन में ज्वाइनिंग प्रोग्राम करते हैं। भाई संतोष नगर से हुए, आईएसएसएन डिवीजन से हुए। कांग्रेस हुकूमत कभी भी नहीं आएगा, क्यों बोलते? बहुत साल दे दिए पब्लिक, उनको चांस दिए, लेकिन उनको कुछ काम करे से नहीं। अब तक टीआरएस पार्टी आए से जब से 10 साल से कितना काम कर रही, सबको अच्छा देख ले रही, बोलकर टीआरएस का पार्टी को भी वोट डालेंगे। पब्लिक वोट 100% केसीआर साहब भी सीएम बनेंगे। सब पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों बोले तो 10 साल से आप देख रहे हैं टीआरएस पार्टी क्या क्या डेवलपमेंट कर रही, केसीआर साहब सबसे कैसा रह रहे, कौन से स्कीम दे रहे, आपको सबको मालूम। आप सोच समझ के और एक बार केसीआर साहब को जिताना चाहिए, क्यों बोले तो कार के निशान के ऊपर वोट डाल के आप आए से दिनों में केसीआर साहब को फिर सीएम देखना चाहिए। 100% आप पूरे डालते बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं।